कुड़ुख कथा सिखरना चैनल नू परमा कुड़ुख भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देखा कि इंघाय निंघाय एन नीन एमहाय निम्हाय से रिलेटेड सेंटेंस बनाकर वाक्य बना के उसको हम लोग कुड़ुख में ट्रांसलेट किए और कुछ सीखने का कोशिश किए। आज के वीडियो में एक गुणुख में छोटे छोटे वर्ड्स का छोटे छोटे वाक्य का हमने इस्तेमाल किया है ताकि सीखने में आसानी हो। इन वाक्य के लिए कुछ हमने वर्ड्स लिया है गुणुख वर्ड तो उसको हम लोग देखते हैं, उसका मीनिंग पहले समझेंगे फिर हम लोग वाक्य बनाएंगे। जैसे पहला वर्ड है इजगु अब्लिक इत्रा, इसका मतलब होता है इधर। नेक्स्ट कुरुख वर्ड है अजगु अत्रा, मतलब उधर। अगला है ईशान, ईशान मीन्स यहां। अगला कुरुख वर्ड है आसान, आसान मीन्स वहां। नेक्स्ट मंडी, मंडी जैसे चावल हम लोग खाते हैं, जिसे कुड़ुख में जिसको भात भी बोला जाता है उसी को मंडी, मंडी खाना, मंडी को खाना। जैसे मंडी, मंडी हम लोग कुड़ुख में बोलते हैं जिसको भात को मंडी बोला जाता है, और यहाँ मंडी को मंडी बोलते हैं, मंडी को भात बोलते हैं जैसे, लेकिन खाना जैसे खाना खाना मंडी को खाना 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 मंडी को मंडी भात को बोलते हैं और ये उसको ही खाना। अगर को समझने में थोड़ा सा लग रहा है, जैसे हम लोग कुड़ुख में बोला जाता है नीन मंडी ओंडकाय, खाना खाया मंडी ओंडकाय मतलब खाना खाया, तो यही मंडी का तो मतलब खाना। नेक्स्ट कुड़ुख वर्ड है ओना, ओना मीन्स खाओ। अम, अम मीन्स पानी। अगला कुड़ुख वर्ड है ओना, जिसका हिंदी होता है पीना। अब आप सोचेंगे एक जगह हमने लिखा ओना, ओना मीन्स खाओ, दूसरी जगह ओना इसका मतलब हिंदी में पीना। तो खाने से रिलेटेड, खाने से संबंधित जहां भात का सवाल होता है या मंडी का सवाल होता है तो वहां खाने को ओना बोला जाता है, केवल भात को मंडी को, बाकी सभी खाने वाला सामान को किसी भी चीज को हो, जैसे रोटी हो गया, कोई भी फ्रूट्स हो गया, ये सब खाने को क्या बोला जाता है मोखा। केवल लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड को पीने को बोलते हैं ओना। ऑप्शनल भात को केवल ओना बोला जाता है खाने से रिलेटेड, बाकी सबको खाने, बाकी दूसरे चीज को खाने से रिलेटेड को मोखा बोलते हैं और पीने वाला को ओना, केवल भात को छोड़ के। ओना मीन्स खाओ, अम पानी, ओना मतलब पीना, आसमा मीन्स रोटी, मोखा खाओ। अभी हमने बोला था कि खाने को भात को छोड़ के जो भी खाने की बात होगा उसको क्या बोलते हैं खाओ को मोखा। जैसे जैसे कुड़ुख में बोलते हैं नीन आसमा मोखोए,
आप रोटी खाओगे या कोई भी फ्रूट्स भी खा रहा है, तो जैसे नीम टटका मोखोए, आप आम खाओगे, इस टाइप का मतलब खाने से रिलेटेड जो भी चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोखा बोलते हैं। भात को छोड़ के, भात खाने के बाद होता है, बात होता है, तो उसको हम लोग ओना से संबोधित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला कुरुख वर्ड है एमरा, एमआ, जिसका हिंदी होता है स्नान करना या नहाना। अगला कुरुख वर्ड है खंदरा, जिसका हिंदी होता है सोना। सोना मीन्स सोना चांदी नहीं, नींद से सोना। नेक्स्ट कुरुख वर्ड है बेचा, बेचा मीन्स खेलना। अगला कुरुख वर्ड है कला, जिसका हिंदी होता है जाओ। नेक्स्ट बरा, जिसका हिंदी होता है आओ। और लास्ट कुरुख वर्ड है ओक्का, जिसका हिंदी होता है बैठो। इसमें कुछ शब्द है जो पिछले वीडियो में भी हमने यूज किया था। तो क्योंकि वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड्स हम पिछले वीडियो से लिए हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में आसानी से आए। अब देखते हैं इन्हीं शब्दों से जो हिंदी का वाक्य बना है उसका कुरुख वाक्य क्या होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला एक छोटा शब्द है हमारा हिंदी में, इधर आओ। इसको कुरुख में क्या बोल कैसे बोलेंगे हम लोग, इजगु बरा। यहां एक ऑप्शन अब हमने दिया था इत्रा, तो इत्रा बरा, इजगु बरा पुरुष के लिए। लेकिन इसी को अगर किसी फेमेल को हम लोग बोलेंगे इधर आओ, तो उसको हम लोग पुरुष में कैसे बोलेंगे, इजगु बराए या इत्रा बराए। इस वर्ड को एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इजगु बरा। इसको आप बोल सकते हैं जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा एन नीन, तो आप किसी को बुलाएंगे तब यहां आप इजगु बारा के पहले नीन इजगु बारा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसको आप अपने से ट्राई करेंगे कि जैसे एक शॉर्ट वाक्य हुआ इजगु बारा, तो आप उसको अपने से ट्राई उसके साथ एक नीन जोड़ देंगे, नीन इजगु बारा, नीन इजगु बराए। एक और तरीके से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इजगु बरा को हम लोग और नीन बरा अवलिक बराए, इसको दो तरीके से हो गया। इसके पहले हम नीन भी लगा के इसको बना सकते हैं, और इसके पहले नीन के जगह में, नीन क्या है सर्वनाम है, नाम के बदले जो शब्द हम लोग यूज करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो जैसे हम नीन का यूज करते हैं तो वो किसी नाम के बदले में आया है, इस जगह पर नीन के जगह में आप किसी का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल मान लिया किसी को आप इंडिकेट कर रहे हैं, वो उसका नाम है लखन, लखन इजगु बरा पहला, दूसरा लखन नीन इजगु बरा, और लास्टली इजगु बरा। ये इसको ट्राई करना आपका है, हमने छोटा सा वर्ड बनाया इजगु बरा या इतरा बरा, इसको आप किस किस टाइप से यूज कर सकते हैं, नाम लगा करके और नीन एन नीन नीन लगा करके इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उधर जाओ।
उधर जाओ। इसका कुड़ुख क्या होगा? अजगु कला या अत्रा कला। पुरुष के लिए इसी को महिला या फैमिली को बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे अजगु कलाय या अत्रा कलाय। यहां भी आपने नीन अजगु कलाय बोल सकते हैं, नीन अजगु कला, नीन अजगु कलाय, और इसमें नाम भी इंक्लूड करके कर सकते हैं। जैसे किसी भी लड़की का नाम रानी नीन अजगु कलाय, रानी नीन अजगु कलाय। और अगर कोई बॉयज होगा तो लखन अजगु कला। ऐसे आप जोड़ करके अपने से कोशिश कीजिए इसको हम किस तरीके से बाकी वाक्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहां बैठो, जिसको कुड़ुख में बोलते हैं ईशान ओक्का, मेल के लिए, और फीमेल के लिए ईशान ओक्का। इसमें भी आप इसके पहले नीन भी यूज कर सकते हैं, नाम भी यूज करते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। नाम लेकर के भी आप बोलते हैं ईशान ओक्का, इसको नीन ईशान ओक्का, नीन ईशान ओक्काय, रेखा ईशान ओक्काय, रेखा नीन ईशान ओक्काय, इस टाइप का। नेक्स्ट कुड़ुख वर्ड है वहां खेलो, आसान बेचा पुरुष के लिए, और महिला के लिए आसान बेचाए। इसमें भी सेम, इसमें भी आप नीन यूज कर सकते हैं, नाम यूज कर सकते हैं, नीन नाम दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है स्नान करने पब्लिक नहाने जाओ। स्नान करने इसलिए लिखा कि आजकल बहुत से गांव में स्नान भी कुछ लोग बोलता है, कोई नहाने बोलता है, इसलिए हमने दोनों शब्द का इस्तेमाल किया, स्नान करने पब्लिक नहाने जाओ। इसको कुड़ुख में कैसे बोलते हैं? एमरा ऑब्लिक एमरा, एमआ भी बोला जाता है, एमरा भी बोला जाता है, आप दोनों में से किसी को भी एक यूज कर सकते हैं। एमआ काला पुरुष के लिए, एमआ काला स्त्री के लिए। यहां भी सेम सिचुएशन, ये ऑप्शन आपके लिए सीखने के लिए छोड़ दिया हूं, ताकि इसको आप नीन जोड़ के भी आप कर सकते हैं, नीन और नाम दोनों जोड़ के कर सकते हैं, नाम भी जोड़ करके कर सकते हैं। ये सारा वर्ड उसी से रिलेटेड है। खाना खाओ, इसको कुड़ुख में क्या बोलेंगे? मंडी पोना। यहां हमने आपको बताया था मंडी से रिलेटेड जो भी है, मंडी से रिलेटेड खाने को क्या बोला जाता है? ओना। खाना खाओ मंडी ओना पुरुष के लिए, अगर इसी को महिला के लिए बोलना होगा तो मंडी ओनाए। केवल ओना शब्द का इस्तेमाल खाने से रिलेटेड जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें ओना से रिलेटेड केवल भात को ही ओना बोला जाता है खाने के लिए। बाकी जितना भी खाने से खाद्य पदार्थ हो उसको खाने से लिक्विड को छोड़ के चबा के जितना भी हम लोग खाने वाले हैं उसको मोखा बोला जाता है। केवल पीने से रिलेटेड ओना बोल, पीने से रिलेटेड जितना भी है, दूध है, चाय है, पानी है, इसको सबको पीने से रिलेटेड को ओना बोला जाता है, और खाने से रिलेटेड केवल भात को ही ओना बोला जाता है, बाकी सबको मोखा बोला जाता है। क्या था हम लोग का सेंटेंस? खाना खाओ, इसका कुड़ुख होता है मंडी ओना पुरुष के लिए, फिर मंडी ओना स्त्री के लिए। सेम ऑप्शन इसमें भी है, नीन मंडी ओना या नीन मंडी ओना, या नाम से अगर हम लोग देखते हैं तो लखन मंडी ओना, रानी मंडी ओनाए,
है, ये ऑप्शन आपको सीखने के लिए, प्रैक्टिस के छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोटी खाओ। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी खाने से खाने का है, रोटी खाओ। अस्मा मोहा पुरुष के लिए, अस्मा मोहा, और यही अगर महिला को बोलना होगा तो अस्मा मोहाय। फिर यहां आपके पास आपके लिए ऑप्शन है, यहां आप नीन भी बोल सकते हैं, उससे भी बना के वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं, नाम नाम जोड़ के भी कर सकते हैं, नीन नाम दोनों को जोड़ के बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, पानी पियो। इसको कुड़ुख में क्या बोलेंगे, अम ओना पुरुष के लिए, और महिला के लिए अम ओनाए। इसमें फिर वही ऑप्शन आपके लिए है, इसमें नीन अम ओना के पहले नीन के लगा के भी आप बना सकते हैं, नीन अम ओना, नीन अम ओनाए, राम नीन अम ओना, रानी नीन अम ओनाए, रानी अम ओनाए, राम अम ओना, यानी सिंपली अम ओना बोलना, इसके साथ नीन लगा के बोलना, इसके साथ नाम नीन दोनों जोड़ करके बोलना, ठीक है, तीन चार तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और अगला कुड़ुख वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, पढ़ने जाओ। इसको हम लोग कुड़ुख में बोलेंगे पढ़ा कला, पढ़ा कला, यही गर्ल्स को अगर बनना होगा तो पढ़ा कलाए, ठीक है। यहां हम फिर बोल रहे हैं पढ़ना का कुड़ुख होता है बचा, लेकिन यहां हम पढ़ना को पढ़ना से रिलेटेड ही पढ़ना ही कर लग रहे हैं, इसलिए पढ़ा कला, पढ़ा कलाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोने जाओ। उसको हम लोग कुड़ुख में क्या बोलेंगे, खंद्रा कला पुरुष के लिए, अगर किसी को महिला को या स्त्री को बोलना होगा खंद्रा कलाए। इस सेंटेंस में भी दोनों ऑप्शन आपके लिए है, नीन खंद्रा कला पुरुष के लिए, नीन खंद्रा कलाए महिला के लिए, और इसमें और एक तरीका से हम लोग कर सकते हैं कि नाम लेकर के मोहन खंद्रा कला, अगर लड़की का नाम लेना होगा तो रिया खंद्रा कलाए, और दोनों को जोड़ के अगर करना होगा रिया नीन खंद्रा कलाए। एग्जाम्पल मान लिया कोई ग्रुपिंग में तीन चार बैठा है और किसी को इंडिकेट करके भेजना है कि तुम सोने जाओ, तो उसमें वहां हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में उस ग्रुप में से एक आदमी को इंडिकेट करके उसको भेजते हैं, जैसे रिया नीन खंद्रा कलाए, रिया तुम सोने जाओ, इस टाइप का। तो इसको नीन जोड़ करके, नाम जोड़ करके, नीन नाम दोनों जोड़ करके इस टाइप का सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, और फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला वीडियो में, और इसी तरह का वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग और अच्छे से ये सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। जोहार, जय धर्म।